तो YouTube की टैक्स सीरीज में हमने बहुत सारे टैक्स प्लेटफॉर्म को देखा, जो कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ आपको कि किस तरह से हम कौन से टैग कहाँ से उठाएंगे, उठाकर कहाँ कितने जमा करने हैं, इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे करने के बाद हमने अपने YouTube चैनल पर लगाने हैं। तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बाकी हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, तो ऐसा ऐसा हम एक एक वीडियो में सब कवर अप करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेड जो सॉफ्टवेयर हैं, पेड जो वेबसाइट हैं, जो कि यूट्यूब टैग्स फाइंड करने में हमारी हेल्प आउट करती हैं, उनको हम लोग एक नज़र डालेंगे। कुछ चीज़ें फ्री भी हैं और कुछ पेड हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा पेड हैं उसमें, तो मतलब कि टैग्स वहाँ से भी आपको फाइंड आउट करने में मिलेंगे और थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, और इस वजह से मैंने ये रखे हैं ताकि तो जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं स्टार्ट से ही अपने टैग्स पर, मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट है, मतलब दो ही वेबसाइट मैंने यहाँ पर रखी है, ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि आगे मैं आपको बहुत से फ्री तरीके बताने वाला हूँ, बहुत सी फ्री वेबसाइट भी बताऊँगा कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे अपने टैग्स फाइंड करने में। तो ज़्यादा फर्ज मतलब ज़्यादा टैग्स पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट्स पर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि टैग्स पे लगाए जा रहे हैं फ्री में भी, मतलब कि हमें काफ़ी रैंक टैग्स मिल जाते हैं। आपको ये भी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो रैंक टैग्स होते हैं क्या आपके नए चैनल में जब आप लगाएंगे क्या वो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको बतानी है आगे जाकर। कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में कि रैंक टैग लगाओ रैंक टैग लगाओ, बट वो रैंक नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसके बिहाइंड पे स्टोरी क्या है वो भी मैंने आपको बतानी है। बट आगे जाकर अभी हम लोग फोकस करेंगे अपने इन टैग्स पर, मतलब टैग्स वाली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट है वो KTD है। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे तो वेबसाइट्स की कुछ गाइडलाइंस आपको नीचे दी जाती हैं, ये आपके पास अगर टाइम है तो आप ज़रूर इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप अपने टैग्स यहाँ पर सर्च करें। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टैग सर्च करते हैं, कंट्री आपने यूनाइटेड स्टेट रखनी है, आपने जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक मैं पाकिस्तान करता हूँ, और यहाँ पर हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल हमारे पास टैग है, इसको हम लोग सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है हमारे टैग्स की, तो टैग्स कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर टैग्स देगा। तो यहाँ पर ये हमारे टैग्स आ चुके हैं विद रेटिंग्स। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे देखें क्या हमारे पास और अवेलेबल है, नहीं, हमें जस्ट लिमिटेड टैग्स यहाँ पर दिए जाते हैं। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन, गेमिंग, लाइक बहुत सारे हमें यहाँ पर टैग दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रैंक के लिहाज से भी टैग दिए जाते हैं। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर रेटिंग दी जाती है, लाइक स्टार पे टॉप 10 में ये रहा है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो जिसके आगे स्टार है मतलब टॉप 10 में ये ज़रूर आया। सोर्स क्या है, यूट्यूब, कंट्री पाकिस्तान में, मतलब कि अगर आप कोई और कंट्री करेंगे तो उसमें मतलब सेपरेट टैग आएगा, लाइक आप इंडिया, बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री करते हैं सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई सेपरेट टैग आएगा। तो यहाँ पर इसकी रैंक क्या है, 9.3, मतलब बहुत ज़्यादा सर्च किया गया टैग है ये, काफ़ी ज़्यादा इसकी रैंक है, और आपको ये अगर रखना है तो आप ज़रूर रख सकते हैं। बट आपको यही रेकमेंड करूँगा भाई, बहुत ज़्यादा जो सर्च बार में आ रहे हैं ना, आपको वो बेशक यूज़ करें बट जब आप वो लगाएंगे अपने टैग्स में, ठीक है, वो आपकी वीडियोस ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि ये टैग जो है ये ऑटोमेटिकली पहले से रैंक किए गए हैं कोई और वीडियोस के पे। स्टार्ट में तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं आनी ऊपर, क्योंकि ये टैग जो है ये किसी और वीडियोस, कई और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इन पे वीडियो बनाई है, उनकी वीडियोस ऊपर आएंगी, आपकी वीडियो कहीं बॉटम में बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, तब आपने
आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियो रैंक करेगी तो ऊपर आएगी। कैसे रैंक करेगी और आपने किस तरह से एक लीगल तरीके से अपनी वीडियो को रैंक करना है वो भी आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल रहे हैं, जो जो आपको कीवर्ड चाहिए होंगे सिंपली आपने यहाँ पर आना है। आने के बाद जो जो कीवर्ड चाहिए आपको आपने टिक करने हैं। टिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है CSV टू एक्सेल, अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक, जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक एक्सेल की सेपरेट फाइल बनी थी, तो वैसे ही हमारे पास फाइल बन जाएगी। तो उसके बाद आप यहाँ पर मतलब आपके पास फ़िल्टर भी दिए गए हैं कि आपकी रैंक जो है कौन सी रैंक होनी चाहिए, नंबर वन रैंक होनी चाहिए, मिनिमम कौन सी है, वन वर्ड काउंट क्या होनी चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, आपने एक बार इसको ज़रूर सर्च करनी है। क्योंकि मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये वेबसाइट को बता रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट क्या चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है, किस वेबसाइट में। आप जैसे ही इसको नंबर वन पे लेके जाएंगे तो आई थिंक ये आप नंबर वन जैसे ही करेंगे तो आपके पास जितने भी टॉप 10 जो रैंक टैग्स होंगे वो आपके पास यहाँ पर शो आउट होने लग जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमें भी भाई ऐसे रैंक टैग्स चाहिए जो कि बहुत सारे सर्च आउट हों। अब जिस तरह से मैंने जैसे ही डाउनलोड किया तो मेरे पास ये आ गया, मुझे डाउनलोड नहीं करना भाई। तो रैंक टैग जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टॉप 10 में जो टैग्स आ रहे हैं, आप जैसे ही फ़िल्टर यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पर रैंक टैग जो होंगे वो आएंगे। टॉप 10 पे जो टैग्स सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं वो आपके पास यहाँ पर आएंगे। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, जिसकी रैंक है 9.3। उसके बाद हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल 2021 8.5, उसके बाद 8.3, 8.0, 8.0, 7.8। उसके बाद रेटिंग जो है इसकी कम से कम होती जाती है, तो आपने ध्यान रखना है आपको कौन सी रेटिंग वाला टैग उठाना है। अब इस वेबसाइट को अगर आप फ्री यूज़ करेंगे तो दिन में आप जस्ट 2 बार अपने टैग सर्च आउट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से मिनिमम आपके पास 2 से 3 बार ही लोग सर्च आउट करते हैं टैग्स। तो मेरे ख्याल से इजीली यहाँ पर आके 2 बार अपने दिन में टैग्स सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पर पेड चाहिए तो साइनअप भी करें। साइनअप करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर आई थिंक कुछ पैकेजेस दिए जाते हैं, वो पैकेजेस अगर आपने परचेस करने हैं तो कर लें, अगर नहीं करने तो आपके पास अ लॉट ऑफ फ्री वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आप फ्री देख सकते हैं और फ्री अपने टैग्स निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड वेबसाइट हमारी जो कि स्टार्ट 7-day trial फॉर $7 जो है वो 7 में, इन्होंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है भाई, मैंशन कर दिया है भाई $7 में आपका फ्री ट्रायल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड जो है कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाने के लिए कॉपी करना है। यहाँ पर आपका जो कीवर्ड होगा आपने यहाँ पर वो करना है, लिखना है। उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है एंड फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं वो आपके पास आइडिया नहीं मतलब सारे कीवर्ड्स जो आप सर्च करेंगे वो आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर कीवर्ड दिए गए हैं, तो आप अगर यहाँ पर फ्री ट्रायल यहाँ पर यूज़ करते हैं $7 का तो 509 कीवर्ड आइडियाज़ और भी आपको मिल जाएंगे, बट हमें नहीं चाहिए भाई। अगर आपको पैसा लगाना है तो आप परचेस कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन में यही है कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन डेट वेबसाइट्स। आपको फ्री में काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं, या फिर आप इन सब वेबसाइट्स को अलग अलग नज़र से देखें तो आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। आपने जैसे एक बार फोकस करना है, एक टैग जो है वो और वेबसाइट से उठाना है, दूसरे टैग्स जो हैं सर्च वॉल्यूम जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास रैंक आ रही है, टॉप 10 आ रहा है, मतलब कंट्री पाकिस्तान में आ रहा है, टॉप 10 में ये टैग आपको आ रहा है, रैंक है 9.3 आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम हमें दिया जा रहा है, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल कितना वॉल्यूम सर्च किया गया और 2.7 के मतलब बहुत ज़्यादा सर्च किया गया कीवर्ड है। अब जैसे जैसे अगर आप अपनी सेपरेट मतलब के जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसके लिहाज से जो जो कीवर्ड यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पर आपको शो आउट हो जाएंगे। तो भाई लाजमी सी बात है, आपको जो कीवर्ड शो आउट होंगे आपने वही कीवर्ड मतलब कि उठाने हैं, उठाने के बाद आपने यहाँ पर MS वर्ड में आपको मैंने जिस तरह से बोला पेस्ट करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि कौन से कीवर्ड आपने चूज़ करने अपने वीडियोस में। ये थी आज की ये दो
और वेबसाइट्स जो कि कीवर्ड्स आप सर्च आउट कर सकते हैं। अलॉट ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि आप कीवर्ड अपने रिसर्च कर सकते हैं, आप टैग्स निकाल सकते हैं, बट कुछ चंद एक जो वेबसाइट्स हैं ये आपके सामने मैंने रखी हैं कि आपको मतलब ये पता चल सके कि कीवर्ड कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट क्राइटेरिया से आप अपनी टैग्स निकाल सकते हैं। तो यही कुछ आइडियाज़ हैं, आपको देखने हैं, सर्च करना है, रिसर्च करनी है, तब जाके आपको समझ आएगी। जब समझ आएगी तो आपके लिए हलवा हो जाएगा भाई, आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी से आप ये कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑन योर टैग्स वेबसाइट जो भी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो कि प्रीवियस में मैंने टैग्स बताए हैं कि यूट्यूब पे रह के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे टैग्स कैसे निकालेंगे, कुछ और वेबसाइट्स बताई हैं और कुछ आगे बतानी है, वो तो खैर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने बेल आइकन दबाया और चैनल सब्सक्राइब किया, तो जाहिर सी बात है आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। अगर नहीं किया तो भाई अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।